हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 360 प्रॉपर्टी व्यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 1000 स्क्वायर फीट का 4 BHK का फुल्ली फर्निश्ड बंगलो इन प्रीमियम लोकेशन ऑफ इंदौर। दिस इज वन ऑफ द लग्जरियस बंगलो इन 1000 स्क्वायर फीट, जिसका जो डिज़ाइन है, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ओवरऑल प्लानिंग है, वेल स्ट्रक्चर्ड है एज पर द मॉडर्न ट्रेंड। आई विल गोइंग टू शेयर द डायमेंशन, द ओवरऑल प्लानिंग एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो अगर आप टिल एंड तक ये वीडियो देखते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कुछ घर रेडी टू मूव देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। अगर आप ऐसा डिट्टो घर बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, बिकॉज दिस रिक्वायर्ड वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन एंड टू मैनी अदर थिंग्स विच रियली नीडेड इन योर हाउस। और अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं हर हफ्ते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1000 स्क्वायर फीट। जो आपको फ्रंट मिलेगा वो 20 मिलेगा, जो आपको डेप्थ मिलने वाली है वो 50 मिलेगी। इट इज़ 4 BHK प्लानिंग, G+2 का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें, पूरा जो फ्रंट एलिवेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न ट्रेंड, टू लग्जरी एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल डिज़ाइन के साथ आपको फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पे PVC का वर्क, एलिवेशन टाइल्स का वर्क, टफन ग्लास के साथ आपको CNC कट का डिफरेंट वर्क ऑन द राइट हैंड साइड देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में फॉर योर आउटसाइड पार्किंग आपको 5 फीट तक पेवर ब्लॉक्स इंक्लूडेड मिलते हैं, एंड विच इज़ रियली नीडेड फॉर योर फ्रंट एलिवेशन। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ फर्स्ट अगर ऑब्जर्व करता है, तो विच इज़ योर फ्रंट एलिवेशन। जितना खूबसूरत ये होगा, उतना घर आपका इनसाइड से भी होने वाला है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लग्जरियस प्रॉपर्टी। फ्रंट अगर हम एड ऑन ब्यूटी की बात करें, आपको गैस कनेक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है, 2 लैंप्स ऑन द फ्रंट साइड आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिल जाते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं एज अ ओवरऑल एलिवेशन को, एंड दिस इज़ रियली गुड। आपको फ्रंट साइड में नेमिंग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप आपका पूरा नेमिंग स्पेस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ कवर्ड एज अ एलिवेशन टाइल्स। एंड साथ में जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं फ्रंट साइड पे, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड एज अ 5 फीट, जिससे क्या होता है ना, आपकी आउटसाइड पार्किंग पूरी कवर्ड हो जाएगी। एंड सच टाइप ऑफ एलिवेशन कम्स वंस इन अ वाइल, एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक बढ़िया सी प्लानिंग आपको इनसाइड भी देखने को मिलेगी। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर यह मिलता है आपको, दिस इज़ गार्डन फेसिंग बंगलो। तो आपको जो फ्रंट लुक मिलेगा, आपको किसी दूसरे का घर नहीं मिलेगा, आपको गार्डन मिलेगा, नेचुरल एयर आएगी, नेचुरल ब्यूटी इनसाइड योर होम। अगर हम घर में जैसे एंटर करते हैं, तो फर्स्ट आपको मिल जाता है 10 फीट चौड़ा और 5 फीट तक आपको आपका मेन गेट। इट इज़ प्योर MS आयरन। आपको ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक क्रॉस कनेक्शन का डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्लैक एंड वाइट का पूरा कोटेड है एज अ पेंट वाइज, एंड इट इज़ फोल्डेड वन। एंड जैसे ही आप एंट्री करते हैं, तो आपको जो इनसाइड से लुक मिलता है एंड फ्रंट साइड से लुक मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड दिस इज़ योर 4-व्हीलर पार्किंग। पार्किंग का साइज़ 12x8 का है, काफ़ी सफिशियंट है, आराम से आपकी XUV आराम से यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक बढ़िया 4-व्हीलर पार्किंग आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलता है। एंड जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है 2-व्हीलर पार्किंग और एडिशनल प्लांटेशन स्पेस। दिस ओवरऑल घर इज कवर्ड बाय CCTV कैमरा, तो आपको सिक्योरिटी का कोई कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस ओवरऑल विंडो इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम, वो हम बाद में देखने वाले हैं, बट इट इज़ रियली नीडेड फॉर योर वेंटिलेशन एंड अदर पर्पस। पूरे ओवरऑल पार्किंग को एक एनहांस लुक देने के लिए आपको फ्रंट साइड पे 4-way lights के साथ स्टोन का डिफरेंट वॉक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, एंड इट इज़ सपोर्टेड ओवर द ग्रेनाइट, तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपका जो मीटर बॉक्स है, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड इन अ अल्पाइन डिज़ाइन, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो दिखता नहीं है फ्रंट साइड में, आपको स्क्वायर में पूरा बॉम लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं, तो आपको मिल जाता है आपकी मेन एंट्री, एंड राइट हैंड साइड में वेंटिलेशन एंड प्रॉपर सनलाइट के लिए बिग स्लाइड अप विंडो, जो हम इनसाइड से भी देखेंगे। अगर हम अपने मेन गेट की बात करें, तो आपको 3.5x8 का विनियर में प्योर आपको ओवरऑल गेट मिलने वाला है। फ्रंट साइड में आपको डायमंड का जो डिज़ाइन है, इट इज़ ऑन MDF, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, एंड इन बिटवीन आपको ग्लास का वर्क देखने को मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का हैंडल मिलता है, एंड थिकनेस की बात करें, काफ़ी बढ़िया थिकनेस के साथ ये आपको ओवरऑल गेट मिलता है। सेकेंड, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, आपके जो लॉक्स होने वाले हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के लॉक्स यहाँ पे आपको इंक्लूडेड मिलेंगे।
एंड जैसे हम थोड़ा एंटर करते हैं तो आपको मिल जाता है 14x9 का लग्जरियस लिविंग एरिया। इट इज़ कवर्ड एज अ डबल हाइट सीलिंग, तो आपको जो ओवरऑल ब्रॉड एरिया दिखेगा बहुत ही लग्जरी भी दिखता है और काफ़ी ब्रॉड भी दिखता है। दिस इज डिज़ाइन एज पर द मॉडर्न ट्रेंड। जो फर्स्ट आपको पूरा सिटिंग स्पेस मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड टू टिल एक्सटेंडेड सिटिंग एरिया, जो काफ़ी यूजफुल हो जाता है फॉर योर ओवरऑल डिस्कशन टीवी पैनल यूनिट के सामने। एंड जो आपको वॉल पे जो आर्ट देखने को मिलता है इट इज़ यूरोपियन थीम बेस्ड आर्ट, जो काफ़ी ट्रेंडी लुक में आजकल आपको देखने को मिलेगा। जो पूरा जो डबल हाइट का सीलिंग है आपको पूरा डबल लैम्प में मिलेगा, इन बिटवीन यूरोपियन थीम के साथ पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड दोनों लैम्प बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगते हैं विथ ब्यूटीफुल लुक के साथ। इन बिटवीन आपको यहाँ पे एक सैंडल यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है एंड फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस आपको जो विंडो मिलती है पार्किंग से दोनों चीज़ें कवर्ड करने को मिलती है विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ कर्टन वंस। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर सिटिंग एरिया आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल यूनिट। टीवी पैनल यूनिट बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ आपको फ्लूटेड पैनल का डिज़ाइन इन द बैकग्राउंड प्रोफाइल लाइट का वर्क के साथ सनमाइका का फ्रंट डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड सेट एज पर द लिविंग एरिया स्पेस। आपको यहाँ पर एसी का कनेक्शन इंक्लूडेड मिलता है, वाइट एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में फ्लूटेड पैनल यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है। बैकग्राउंड में प्रोफाइल लाइट का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको बॉटम में स्टोरेज इंक्लूडेड मिलता है विच इज़ रियली गुड, और आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एज़ पर योर नीड्स आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एंड जैसे हम थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड आ जाता है स्टेयर केसेस एंड ऑन द फ्रंट साइड आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस काफ़ी लग्जरी बना है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर किचन स्पेस। 10x7.5 का आपको ओवरऑल डिज़ाइन एज अ ओवरऑल स्पेस मिलने वाला है। एंड जैसी ओवरऑल प्लानिंग की बात करें दिस इज़ रियली गुड, एंड आपको साथ में यहाँ पे इंक्लूडेड आपको टेम्पर स्पेस भी मिलने वाला है। तो आपने देखा बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ बहुत ही प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन आपने थ्रू आउट द होम देखा। यहाँ पर जो टेम्पर का डिज़ाइन है बहुत ही मॉडर्न सेटअप किया हुआ है, 4x5 का ओवरऑल साइज़ है। आपको मल्टीपल स्टोरेज मिल जाएंगे, वाइट स्टोन का पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सीएनसी कट का डिफरेंट वर्क विद प्रोफाइल लाइट का वर्क ऑन द फ्रंट साइड देखने को मिलेगा विच इज़ रियली गुड। कर्टन्स के साथ यहाँ पर भी आपको सीएनसी कट का वर्क फ्रॉम द फ्रंट पैनल देखने को मिलता है, तो जिससे क्या होता है ना बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। इन फ्रंट ऑफ योर डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है लग्जरी मॉडुलर किचन, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक स्पेशियस साइज मिलता है आपको 10x10 का ओवरऑल साइज। ओवर द टॉप साइड आपको फॉल सेलिंग बॉम लाइट का वर्क ऑलरेडी कंप्लीट मिलता है। जस्ट फर्स्ट अगर हम बात करें आपको स्टैंडिंग टेबल मिल जाती है फॉर योर क्विक ब्रेकफास्ट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर डाइनिंग स्पेस। अगर कोई डाइनिंग स्पेस पे यूज़ नहीं करता है तो आप स्टैंडिंग टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यू शेप में पूरा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ड्राई सेक्शन अलग, लिक्विड सेक्शन अलग। प्लेटफॉर्म आपको व्हाइट स्टोन में मिल जाता है एज अ क्वार्ट्ज वन, एंड इन बिटवीन जो आपको टाइल्स का वर्क देखने को मिलता है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स का वर्क के साथ। अंडर द कैबिनेट्स आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है। अगर आपके ऐसे कैबिनेट्स बनते हैं तो आपका जो स्टोरेज है काफ़ी प्रॉपर हो जाता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लुक के साथ आपको फ्रंट लुक में देखने को मिलता है। इन बिटवीन आपको क्रोम डिज़ाइन में आपको मैट ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ग्लास के फॉर्म में भी कैबिनेट्स यहाँ पे इंक्लूडेड मिलते हैं विच इज़ रियली गुड एंड इट इज़ हाइड्रोलिक वन। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे डिज़ाइन ऐसी प्लानिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लुक के साथ आपको मॉडुलर किचन में मिलती है। साइलेंट सिंक मिल जाता है, मल्टीपल टैप्स मिल जाते हैं हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ, एंड थ्रू आउट द होम काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के स्विचेस आपको इंक्लूडेड मिलते हैं। आपको फ्रंट साइड पे बताया था आपको ऑलरेडी यहाँ पे गैस लाइन इंक्लूडेड मिलता है, आपको चिमनी भी यहाँ पे इंक्लूडेड मिलती है विच इज़ रियली गुड, और इसका डग आपको वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिलता है विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ वेंटिलेशन। एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे इंक्लूडेड मिलती है। साथ में आपको जो किचन में इंक्लूडेड आपको टैंडम बॉक्स में स्टोरेज मिल जाएंगे विच इज़ ऑल्सो कवर्ड इन यू शेप, एंड जो चिमनी है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया। चिमनी भी ऑटोमेटिक है, आपको एयर पास ऑन होने में कोई भी इशू नहीं होने वाला, एंड मल्टीपल कैबिनेट्स आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्लूडेड मिलते हैं, गैस हॉब भी इंक्लूडेड मिलता है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस ओवरऑल मॉडुलर किचन, जो काफ़ी सफिशियंट है, काफ़ी स्पेशियस है एंड सेटअप एज पर द मॉडर्न ट्रेंड। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है आपका वॉश एरिया। वॉश एरिया काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जब आप यूटेंसिल्स और आपकी वॉशिंग मशीन और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करें। इट इज़ डबल हाई कनेक्टेड, आपको 10 feet तक टाइल्स का वॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विच इज़ रियली गुड बिकॉज इट इज़ लिक्विड एरिया। वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट के लिए आपको फर्स्ट पे विंडो मिल जाएगी, मल्टीपल टैप्स मिल जाएंगे, फ्रंट साइड पर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा,
चिमनी का डग भी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपको टू मैनी थिंग्स इन अ वन प्लेस यहाँ पे आपको देखने को मिली। सो दिस इज द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ योर डाइनिंग स्पेस मॉडुलर किचन। एंड जो डाइनिंग स्पेस और आपका लिविंग एरिया से कनेक्टेड यहाँ पे एक पार्टीशन है विच इज़ अ ग्लास पार्टीशन विच इज़ रियली गुड एंड ट्रांसपेरेंट भी है। आप चाहें तो यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगा सकते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ हाई फ्रंट लुक भी आता है। जैसे हम थोड़ा फ्रंट साइड पे जाते हैं तो आपको जो एक्सटेंडेड सिटिंग एरिया मिलता है उसके फ्रंट साइड पे मिल जाता है आपका पूरा स्टेयर सेक्शन। स्टेयर सेक्शन का जो डिज़ाइन है काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। फ्रंट आपको मिल जाता है आपका हैंड वॉश का सेक्शन मिरर के साथ। जैगवार का टैप होने वाला है, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है इनसाइड जो आपके हैंड वॉश के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। अंडर द स्टेयर्स प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर मिलता है विच इज़ रियली गुड इम्प्लीमेंटेड, तो आपको काफ़ी स्टोरेज यहाँ पर भी इंक्लूडेड मिल जाता है। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर योर एडिशनल स्टोरेज। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट मास्टर बेडरूम फो इन ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ फुल्ली फर्निश्ड वन। आपको जो स्पेस मिलता है काफ़ी स्पेशियस मिलता है। 10x12 का ओवरऑल बेडरूम होने वाला है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सेलिंग बॉम लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा विच इज़ रियली गुड इम्प्लीमेंटेड। एंड फ्रंट साइड पे आपको बेड हेड मिल जाता है, बेड का पूरा कवर मिल जाता है एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस एंड एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेडरूम डिज़ाइन आपको कबर्ड सेक्शन भी इंक्लूडेड मिलता है। इट इज़ स्लाइडर वन एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में ओवरऑल सेटअप मिलता है विच इज़ रियली गुड। एंड फ्रंट साइड पे आपको एडिशनल टीवी पैनल यूनिट इंक्लूडेड मिलता है एंड मल्टीपल स्टोरेज के साथ यहाँ आपके टीवी पैनल यूनिट आ जाएगी। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका बिग स्लाइडर विंडो विथ सिक्योरिटी ग्रिल के साथ। दिस इज रियली गुड एडवांटेज बिकॉज आपका जो ओवरऑल घर है बहुत ओपन रहेगा, बहुत ही वेंटिलेटेड रहेगा। इट इज़ गार्डन फेसिंग बंगलो, तो आपको जो नेचुरल एयर आने वाली है इनसाइड होम काफ़ी यूजफुल हो जाती है फॉर योर ओवरऑल पीपल। एंड दिस इज अ गुड इम्प्लीमेंटेशन एंड वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग। अगर हम अटैच की बात करें, कॉमन वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम इंक्लूडेड मिलता है। कॉमन वॉशरूम होने वाला है, 6x6 का साइज होने वाला है। जो ओवरऑल डिज़ाइन के साथ आपको 3 सेगमेंट डिफरेंट मिलते हैं, शावर सेक्शन, कमोड एंड आपका सिंक। जो सिंक है वेल स्ट्रक्चर डिज़ाइन के साथ आपको स्क्वायर शेप में पूरा टेबल टॉप मिलने वाला है। आपको फ्रंट साइड में मिरर सेक्शन मिल जाएगा विच इज़ रियली गुड। एंड 3.5x7 का आपको यहाँ पर विनियर में गेट यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाला है, जो सपोर्ट मिलेगा आपको ग्रेनाइट में मिलने वाला है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लानिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर जो काफ़ी स्पेशियस थी, काफ़ी लग्जरी थी। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेयर सेक्शन के साथ। स्टेयर सेक्शन की बात करें जो ओवरऑल डिज़ाइन है काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक बढ़िया सा हाईलाइटर पैनल यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है। सागवान में आपको यहाँ पे रेलिंग इंक्लूडेड मिलने वाली है टफन ग्लास के साथ एज अ सपोर्ट वन। जो ग्रेनाइट है आपको फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा। अंडर द ग्रेनाइट आपको प्रोफाइट का डिफरेंट वर्क देखने को मिलेगा एज अ एक्रेलिक टाइल्स के कॉम्बिनेशन में, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है इन द नाइट टाइम। एंड जो वॉल है इसको सिंपल बनाने से अच्छा एक बेटर आउटलुक दिया हुआ है एज अ हैंडमेड डिज़ाइन, जो काफ़ी एक ब्रिक कॉम्बिनेटेड में डिज़ाइन में फ्रंट लुक दिखता है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। एंड सच टाइप ऑफ प्लानिंग आपको बहुत कम घर में देखने को मिलेगी। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, बट इट इज़ नॉट। इट इज़ 1000 स्क्वायर फिट प्लानिंग विथ वेल स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ। जब आप ऐसी प्लानिंग करते हैं ना तो आपका हर एक कैबिनेट, हर एक स्टोरेज, हर एक स्पेस काफ़ी यूटिलाइज होता है। एंड दिस इज़ योर डबल हाइट सीलिंग जो फ्रंट लुक पे भी बहुत बढ़िया लगती है ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आपको एक सैंडल यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है। इन बिटवीन आपको वुडन का वर्क देखने को मिलता है इन विनियर, जो पूरा सैंडल है काफ़ी ब्यूटीफुल लुक के साथ ऑन द फ्रंट पैनल देखने को मिलता है। दिस इज़ अनदर वॉल एज अ यूरोपियन थीम, जो आप अपना वर्क फ्रॉम होम सेटअप, अनदर सेटअप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं विच इज़ रियली गुड। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड मास्टर बेडरूम साइड विच इज़ कनेक्टेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ अवर सेकेंड मास्टर बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जिसका डिसाइड करना है आपको कि इसका साइज़ क्या होगा। बिकॉज हर बार मैं बताता हूँ बट इस बार आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन कि इसका ओवरऑल साइज़ क्या होगा। आपको यहाँ पे बेड मिलता है, बेड हेड मिलता है एज अ कवर्ड वन विच इज़ फुल्ली फर्निश्ड बंगलो। एंड फ्रंट साइड में जो आपको टीवी पैनल यूनिट यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है विच इज़ कवर्ड एज अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एज अ फ्लूटेड पैनल। जो डिज़ाइन है काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और ऐसे डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल घर में ही देखने को मिलेंगे। आपको ब्लू स्ट्रक्चर में पूरा फ्लूटेड पैनल मिलता है। फ्रंट साइड में आपको PVC का वर्क देखने को मिलता है ना ओवरऑल बेडरूम, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम का सेटअप भी ऑन द कॉर्नर साइड देखने को मिलता है। दिस बेडरूम इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बालकनी, तो आपको 3 सेगमेंट में भी यहाँ पे स्लाइडर विंडो यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाले हैं।
तो फर्स्ट अगर हम बात करें आपको ग्रिल मिल जाता है, टफन ग्लास मिल जाता है एंड मॉस्किटो वन मिल जाता है। तो थ्री लेयर सिक्योरिटी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाली है, विच इज़ रियली गुड। डोमाल में पूरा सेक्शन होने वाला है, पीवीसी का डिफरेंट वॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा ओवर द टॉप साइड। फ्रंट पैनल में आपको टू वे लाइट्स मिल जाती है, मल्टीपल टैप्स मिल जाता है, एलिवेशन टाइल्स का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो काफी ब्यूटीफुल बनाता है इस ओवरऑल एलिवेशन को भी, बालकनी सेक्शन को भी। एंड साथ में आपको जो रेलिंग मिलती है एसएस में मिलती है विद टफन ग्लास के साथ, विच इज रियली गुड एंड वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग इन द बालकनी सेक्शन एज वेल। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर ऑब्जर्व करके घर ढूंढेंगे या घर बनवाने का सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया सी चीज ही मिलेगी। इस बेडरूम में आपको साथ में ड्रेसिंग पूरा सेक्शन आपको सेटअप मिलता है विच इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। फ्रंट साइड में आपको कबर्ड सेक्शन मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में पूरा आपको वॉशरूम मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा आपका ड्रेसिंग सेटअप मिल जाएगा विच इज रियली गुड। बहुत बढ़िया एडवांटेज हो जाता है जब आपको ऑलरेडी ये चीजें सेटअप मिले। मेटल का डिजाइन मिल जाएगा एज अ हैंडल वन एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम। जो वॉशरूम है काफी स्पेशियस है, काफी ब्रॉड है, 8x6 का ओवरऑल साइज होने वाला है। फ्रंट साइड में आपको डिफरेंट सेक्शन में एज अ पार्टीशन देखने को मिल जाएगा। जो टाइल्स का वर्क है इट इज इटालियन वन, तो आपको जो लुक आता है काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी आई कैचिंग आता है। शावर सेक्शन को पार्टीशन किया हुआ है एज अ ब्यूटीफुल टफन ग्लास के साथ। फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे भी स्टोन का वर्क देखने को मिल जाता है, प्रोफाइल लाइट का वर्क देखने को मिल जाता है विच इज रियली गुड इम्प्लीमेंटेड। सिंक कमोड सब कुछ सेपरेट है तो आपको कोई भी चीज की वरी होने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग। जब आप ऐसी चीजें देखना चाहते हैं, ऐसी चीज आप ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, वी डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल लेट यू नो मल्टीपल ऑप्शन इन द सेम सेगमेंट। दिस इज अवर थर्ड मास्टर बेडरूम जिसका डिजाइन अगेन डिफरेंट वन है। फ्रंट साइड पर जो टीवी पैनल यूनिट आपको मिलता है, सनमाइका का डिफरेंट वर्क, वुडन का डिफरेंट वर्क, प्रोफाइल लाइट का ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको फ्रंट पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाती है विद फ्लूटेड पैनल के साथ। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, अगर आप ऑब्जर्व होंगे तो आपको बेडरूम हर डिज़ाइन में हर चीज़ डिफरेंट मिलता है। एंड जैसे हम फ्रंट लुक की बात करें आपको यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइट का वर्क, प्रॉपर सीलिंग कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाली है बेड हेड के साथ। बैकग्राउंड का जो डिज़ाइन है यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट मिलता है एज अ वुडन स्ट्रक्चर सनमाइका के साथ। जब आपको ऐसी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट मिलती है तो डेफिनेटली यू गोइंग टू लव दिस। आपको वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट के लिए वॉश एरिया से कनेक्टेड आपको डोमाल सेक्शन में यहाँ पे विंडो इंक्लूडेड मिलती है। ड्रेसिंग रूम ऑलरेडी सेटअप मिलता है एज पर द मॉडर्न डिज़ाइन। कबर्ड सेक्शन इंक्लूडेड है, ड्रेसिंग सेक्शन इंक्लूडेड है विद ब्यूटीफुल लुक। जब आप ऐसी चीज़ें इन अ वन यूनिट देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो डिसीजन है बहुत जल्दी हो जाता है। आपको अटैच यहाँ पे वॉशरूम इंक्लूडेड मिलता है विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। थ्री सेगमेंट आपको इंक्लूडेड मिलते हैं, शावर सेक्शन, कमोड एंड सिंक। एंड फ्रंट साइड पे आपको स्टोन का डिफरेंट वर्क देखने को मिल जाता है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है इन सच प्लानिंग। अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, वी डेफिनेटली गोइंग टू मीट एंड डिस्कस फर्दर। दिस इज अवर सेकेंड फ्लोर जहाँ पे आपको प्राइवेट गार्डन मिलने वाला है एंड आपका फोर्थ बेडरूम मिलने वाला है। एंड दिस इज 4 BHK प्लानिंग, तो आपको G+2 के साथ फोर्थ बेडरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर मिलने वाला है। दिस इज गुड इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक बढ़िया सी फॉल सीलिंग यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरा टीवी पैनल यूनिट आपको इंक्लूडेड मिलता है, वुडन के साथ, वेल स्ट्रक्चर के साथ, मल्टीपल कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड प्रोफाइल लाइट का वर्क देखने को मिलेगा ओवर द टॉप साइड। प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग एंड बॉम लाइट का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में वॉलपेपर का टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाता है जो काफी ब्यूटीफुल बनाता है इस ओवरऑल बेडरूम को भी। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग रूम अलग से मिलता है, आपको सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पर, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ अटैच वॉशरूम। जो वॉशरूम का डिजाइन है अगेन एज सिमिलर एज द प्रीवियस वन बट द डिजाइन इज डिफरेंट। आपको यहाँ पर भी स्टोन का डिफरेंट वर्क देखने को मिलेगा, शावर सेक्शन, कमोड एंड डग वगैरह निकाल के पूरा सेक्शन आपको डिफरेंट पैनल में यहाँ पर देखने को मिलता है। जैगुआर की फिटिंग होने वाली है, स्क्वायर में आपको टेबल टॉप मिलने वाला है, मिरर सेक्शन इंक्लूडेड मिलने वाला है एंड विथ ब्यूटीफुल टाइल्स के साथ। सो दिस इज द ओवरऑल प्लानिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर जो काफ़ी स्पेशियस थी, काफ़ी लग्जरी थी। एंड जैसे ही अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं अपने टेरिस के साइड तो आपको मिल जाता है आपका प्राइवेट गार्डन सेक्शन। दिस इज रियली गुड इम्प्लीमेंटेड। एंड अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए एज अ बिल्ट अप एरिया तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिस यूनिट इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस, अगर आप चाहें तो ऐसी यूनिट बनवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसी यूनिट हमसे प्लानिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनवाना है इन इंदौर तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, वी डेफिनेटली गोइंग टू मीट एंड डिस्कस फर्दर विद द आर्किटेक्ट्स एंड ऑल।
ऐसी प्रॉपर्टी बार बार नहीं आती है। अगर आपको वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग चाहिए इन गुड इम्प्लीमेंटेशन इन गुड कॉस्ट, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।